वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर प्रियंका गांधी के समर्थन में प्रदर्शन किया। यूपी के कानपुर में तो कांग्रेस कार्यकर्ता हाथ में पार्टी का झंडा लेकर सड़क पर उतर आए और सड़क के बीचों बीच बैठकर यूपी सरकार पर पुलिस महकमे का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की गई। सहारनपुर में भी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता प्रियंका के समर्थन में धरने पर बैठ गए। वहां उमस और गर्मी की वजह से कांग्रेस नेता परेशान नजर आए, जबकि यूपी के कासगंज में कांग्रेस समर्थकों ने सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला जलाया। बांदा में भी कुछ इसी अंदाज में कांग्रेस समर्थकों ने यूपी सरकार और पुलिस के खिलाफ अपना गुस्सा जताया। केवल यूपी ही नहीं, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में भी प्रियंका के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। इन लोगों ने प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ का पुतला जलाकर विरोध किया। यूपी के सोनभद्र में हुई हिंसा पर सियासी जंग में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी कूद पड़े। प्रियंका गांधी सोनभद्र हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार से मिलने के लिए सोनभद्र के लिए निकल पड़ी, लेकिन उनके काफिले को नारायणपुर में ही रोक दिया गया। प्रियंका गांधी के साथ सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता भी सड़क पर जमा हो गए। पुलिस ने प्रियंका को बताया कि सोनभद्र में धारा 144 लगी होने की वजह से वो सोनभद्र नहीं जा सकती, लेकिन प्रियंका नहीं मानी और पीड़ितों से मिलने की जिद पर अड़ी रही। काफी देर तक अफसरों से बहस भी हुई, लेकिन बात नहीं बनी। प्रियंका गांधी अपने समर्थकों के साथ सड़क पर ही धरने पर बैठ गयी। सड़क पर ही नारेबाजी शुरू हो गयी। थोड़ी देर में प्रियंका ने फैसला किया कि वो सोनभद्र की बजाय मिर्जापुर जाएंगी। प्रियंका अपनी कार में सवार हो गई, लेकिन तभी पुलिस ने उन्हें सरकारी गाड़ी में बैठा लिया। सिर्फ उन परिवारों से मिलना है जो पीड़ित हैं, जिनके सदस्यों को निर्मम हत्या की गई है। पुलिस वालों और अधिकारियों ने प्रियंका को उनकी कार से निकाल कर सरकारी गाड़ी में बैठाया। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर जमे रहे। सरकारी गाड़ियों का रास्ता रोकने की कोशिश हुई तो पुलिस वालों ने जबरन कार्यकर्ताओं को हटाना शुरू कर दिया। प्रियंका गांधी को चुनार के गेस्ट हाउस ले जाया गया और यूपी पुलिस के साथ यूपी सरकार ने भी सफाई देनी शुरू कर दी कि प्रियंका गांधी को गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि सोनभद्र में धारा 144 लागू होने की वजह से उनको वहां जाने से रोका गया। और गेस्ट हाउस में प्रियंका गांधी के साथ साथ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता भी जुट गए। एसपीजी के सुरक्षा कर्मी प्रियंका के साथ साथ ही रहे। थोड़ी ही देर में प्रियंका कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ गेस्ट हाउस में जमीन पर बैठ गईं और नारेबाजी शुरू हो गई। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे गूंजने लगे। फिर प्रियंका ने भाषण देते हुए यूपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। प्रदेश की कानून व्यवस्था कहाँ है? हादसे से पहले फोन किया गया था पुलिस को, 3 दिन पहले गांव वाले गए थे कि ऐसा हो जाएगा। हादसे के दौरान बुलाया गया था, कोई मदद नहीं हुई। प्रियंका गांधी अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनार के गेस्ट हाउस में डटी रही। पार्टी के बाकी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सियासी रणनीति पर चर्चा होती रही, लेकिन कांग्रेस के बाकी नेता यूपी सरकार पर उनकी गिरफ्तारी का आरोप लगाते रहे और आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की है और इसीलिए प्रियंका गांधी को सोनभद्र जाने से रोक दिया गया। कई जगहों पर तो कांग्रेस के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिए। विदेश में बैठे राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर ही बहन प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि यूपी सरकार प्रियंका गांधी से डरी हुई। ये बेहद अन्याय, घरघोर निंदा की बात है। वो अगर गाँव के गरीबों से जिनको मारे गए हैं प्रताड़ितों से मिलने जा रही है तो आप कैसे रोक सकते हो। हालांकि बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं की। जिम्मेदारी हम लोगों को मिली है उत्तर प्रदेश और देश की सुरक्षा का, वो हम कर रहे हैं। उसके लिए प्रियंका गांधी जी के सलाह की कोई जरूरत नहीं। यूपी के डिप्टी सीएम ने तो प्रियंका को विपक्ष की जिम्मेदारी याद दिला दी। चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबका सामूहिक कर्तव्य है कि उत्तेजना न फैले और लोगों के बीच में सौहार्द स्थापित होने में सरकार की सहायता करे। लेकिन प्रियंका गांधी चुनार गेस्ट हाउस में ही डटी रही। प्रियंका गांधी इससे पहले वाराणसी के अस्पताल में भर्ती घायलों से मिलने भी पहुंची। सोनभद्र में जमीन विवाद की वजह से हुई हिंसा में 10 लोगों की मौत हुई और हिंसा में घायल हुए लोगों का इलाज वाराणसी के अस्पताल में चल रहा है। प्रियंका गांधी ने घायलों का हाल पूछा और घटना की जानकारी लेने के बाद सीधा सोनभद्र के लिए निकल गईं।
लेकिन प्रियंका गांधी को सोनभद्र पहुंचने से पहले पुलिस ने रोक दिया। सरकार को इसी मुद्दे पर विधानसभा में भी विपक्ष के वार झेलने पड़े। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हो रहे हंगामे के बीच सीएम ने सोनभद्र हिंसा पर बयान दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा को बताया कि सरकार ने घटना पर कड़ी कार्रवाई की है। स्थानीय पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए अब तक 29 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्य अभियुक्त ग्राम प्रधान उसका भाई भी गिरफ्तार किया जा चुका है। विधानसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के बाद भंग हो गई, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ, इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि विवादित जमीन को 1955 और 1989 में गलत तरीके से पहले एक सोसाइटी के नाम और फिर ग्राम प्रधान के नाम किया गया था और दोनों ही वक्त राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। इस पूरे प्रकरण के लिए 1955 और 1989 में भूमि संबंधी जो भी ये गलत अभिलेखों में दर्ज करने या फिर गलत तरीके से कुछ लोगों के नाम पर चढ़ाने की पूरी कार्रवाई उस समय कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर थी और उस सरकार में किस प्रकार से भूमाफियाओं को और शासकीय भूमि को या सार्वजनिक भूमि को हड़पने के कार्य कितने बृहद स्तर पर होते रहे उसका एक उदाहरण यह भी सामने आया है। हालांकि प्रियंका गांधी ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ के आरोपों का जवाब दिया। प्रियंका का दावा है कि इस वक्त राज्य में जब बीजेपी की सरकार है तो जवाबदेही किसी और की नहीं हो सकती। भाजपा की सरकार है, योगी जी की सरकार है कि जवाहरलाल नेहरू की सरकार है? जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की है। जनता की सुरक्षा, जो अराजकता फैली है इस प्रदेश में,